बिल्हा मंडी प्रांगण में आदिवासी समाज ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजन किया। वहीं 18 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि हथनी के उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र का 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा, जिसका कृषि मंत्री ने भूमि पूजन किया। साथ ही बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सेवा सहकारी संस्थाओं में निर्मित किसान कुटीर का लोकार्पण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी ने उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से उसका भूमि पूजन किया। साथ ही 3 करोड़ के लागत से अन्य कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस प्रकार से 18 करोड़ की राशि का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम सम्पन्न किया। इसके साथ में महारानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस के रूप में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर महारानी दुर्गावती जी के संदर्भ में उनके शहादत और इस देश के लिए जो उनके योगदान को याद किया गया। साथ ही समाज में आज जिस प्रकार से समाज की संस्कृति, समाज के इतिहास गौरवशाली, इसको लेकर के समाज को संबोधित करने का काम किया। और उसके साथ में हमारे छात्रावास के लिए विशेष रूप से उन्होंने अधिकारियों से बातचीत किया कि कौन कौन से छात्रावास पे अपग्रेड करने की आवश्यकता है, कहाँ नया छात्रावास बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष रूप से उनके द्वारा जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का, रामचंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही समाज के सभी लोगों को इस निरंतर ज्ञापन करता हूँ। आज बिलासपुर जिला अंतर्गत बिल्हा विधानसभा क्षेत्र इस मंडी प्रांगण में भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम था यहाँ उद्यानिकी महाविद्यालय का भवन बनने के लिए उसका भूमि पूजन किया गया। साथ ही साथ करीब 3 करोड़ के लगभग का अन्य कामों का भी शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन। इसके दूसरा कार्यक्रम इसी के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस को लेकर के तमाम सारे समाज के लोगों के साथ